जब कभी भी हमारे बीच सांपों की बात की जाती है तो सबसे पहले हमारे मन में कोबरा सांप का ही ख्याल आता है, जिसका मुख्य कारण है कोबरा सांप के प्रति हमारे मन में बसा हुआ डर, जो शायद होना भी चाहिए, जिसके जहर से शायद ही कोई बच पाता है। यूं तो दुनिया में लाखों की संख्या में जहरीले सांप मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ किन्हीं खास देश व जगहों पर ही पाए जाते हैं। लेकिन कोबरा एक ऐसी प्रजाति है जो लगभग हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके काटने से लगभग सालाना 40 से 60 हजार लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन आज हम आपको कोबरा प्रजाति के साथ ऐसे दुर्लभ और खतरनाक सांप दिखाने वाले हैं, जो आमतौर पर देख पाना लगभग नामुमकिन सा है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, फॉरेस्ट कोबरा। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला फॉरेस्ट कोबरा, जो जंगल और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में ही रहना पसंद करता है, जिस वजह से ये लोगों के संपर्क में बहुत कम ही आते हैं, इसलिए इस कोबरा को आसानी से देखा नहीं जा सकता। यह फॉरेस्ट कोबरा एक अच्छा ट्रैकर भी है, जो अपने शिकार को आसानी से ट्रैक करके उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। इस सांप की सूंघने की क्षमता इतनी तेज है, जो सूंघकर ही अपने खतरे का अनुभव कर लेता है। वैसे तो ये कोबरा हम इंसानों के लिए घातक नहीं होते, लेकिन हाँ, इसके वजह से जंगली जीव जंतु जरूर मारे जाते हैं। नंबर 6, कैप कोबरा। दुनिया भर में लगभग कैप कोबरा की 471 प्रजातियां मौजूद है, जो लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं। कैप कोबरा की प्रजाति दुनिया की सबसे जहरीली सांपों की प्रजातियों में से एक मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैप कोबरा प्रजाति के सभी सांप अधिकांश शांत स्वभाव के ही होते हैं, जो बेवजह किसी को नहीं काटता, या कहें ये सिर्फ अपने बचाव के लिए ही सामने वाले पर हमला करता है। यह सांप शर्मिली स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा अधिकांश छुपे हुए ही रहते हैं, जिस वजह से ये सांप भी कभी शायद ही इंसानों के संपर्क में आते हैं, इसलिए यह सांप भी हमें आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 5, ब्लैक नेक स्पिटिंग कोबरा। यह अनोखा कोबरा ज्यादातर आपको उपसहारा और अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। इसकी लंबाई तकरीबन 4 से 7 फीट तक हो सकती है। इस कोबरा की सबसे हैरान करने वाली बात है, यह कोबरा 23 से 25 फीट दूर तक अपने जहर का स्प्रे कर सकता है। हालांकि इसका स्प्रे अधिक हानिकारक नहीं होता, लेकिन अगर इसकी स्प्रे का एक भी बूंद इंसानी आंखों में गया तो वो इंसान जिंदगी भर के लिए अंधा भी हो सकता है। यह सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक मानी जाती है। इसके अंदर पाई जाने वाली न्यूरोटॉक्सिक जहर इसके स्वभाव के हिसाब से प्रभावशाली होती है। अगर इसने नॉर्मली किसी को काटे तो इंसान 80% बच जाएगा, वहीं अगर ये सांप पूर्ण आक्रामक होकर काट लिया तो उस इंसान की मौत लगभग तय ही होता है। हालांकि समय पर उपचार करके उनके द्वारा काटे गए जीव को बचाया भी जा सकता है। नंबर 4, एलो कैप कोबरा। दक्षिण अफ्रीका के सवाना, फिनबॉस, बुशवेल्ड, रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एलो कैप कोबरा दुनिया का सबसे घातक सांप माना जाता है। वैसे तो ये सांप शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर इसे किसी ने छेड़ दिया तो ये उस इंसान का पीछा करके भी उसे काट लेगा। जब तक ये अपने दुश्मन को नहीं काटता तब तक ये कहीं रुकता भी नहीं है। वैसे तो ये जमीन में रहने वाला सांप है, लेकिन ये शिकार के लिए झाड़ियों और बड़े बड़े वृक्षों में भी चरने में सक्षम होते हैं। इस सांप में न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जिसके काटने से इसके जहर सीधे श्वसन तंत्र पर असर करता है और ये जहर हार्ट के गति को भी हीन कर देता है, जिस वजह से इनके द्वारा काटे गए जीव की मृत्यु हो जाती है। नंबर 3, फिलीपींस कोबरा। फिलीपींस के उत्तरी क्षेत्रों के मूल निवासी फिलीपींस कोबरा स्पिटिंग कोबराओं की ही एक प्रजाति है, जो स्पिटिंग कोबराओं में सबसे जहरीला माना जाता है। कहा जाता है इसकी जहर का स्प्रे भी अगर सटीकता से किसी भी जीव पर चला गया तो उस जीव की मृत्यु निश्चित होती है। हालांकि इसका स्प्रे अधिक दूरी तक नहीं जाता, इसका स्प्रे सिर्फ 9 से 10 फीट दूर तक ही जा सकती है। इसके अंदर दुनिया का सबसे घातक जहर
पोस्ट सिनेक्टिक और न्यूरोटॉक्सिन का मिश्रण होता है। अगर यह सांप किसी इंसान को काट ले तो एक या दो घंटे में ही इसकी जहर से बॉडी निष्क्रिय हो जाता है और श्वसन प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है, जिस वजह से इसके द्वारा काटे गए इंसान की हार्ट फेलियर के वजह से मौत भी हो जाती है। कहा जाता है अगर 5 से 6 घंटे के अंदर इलाज हुआ तो इंसान को बचाया भी जा सकता है। नंबर 2, रेड स्पिटिंग कोबरा। यह सांप कोबरा प्रजाति का सबसे सुंदर कोबरा माना जाता है। इसके शरीर में चमकीले सैल्मन लाल रंग जो इसे बेहद ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। यह एक निशाचर सांप है जो अधिकतर रात में ही चलता है, इसलिए इसे देख पाना लगभग ना के बराबर ही है, जिस वजह से इसे सबसे दुर्लभ सांप भी माना जाता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन का मिश्रण होता है, इसलिए यह भी दुनिया का सबसे जहरीले सांपों में से एक है। हालांकि सांप के द्वारा काटे जाने की घटना बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर इसने काट लिया तो कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो जाती है। यह कोबरा भी अपने स्प्रे से भी सामने वाले को मार सकता है। इस कोबरा की स्प्रे पावर भी कम ही होता है, यह अधिक से अधिक 10 से 15 फीट तक ही स्प्रे कर सकता है। अगर आपको ये सांप कहीं दिख गया तो इससे 25 से 30 फीट की दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर इसने जहर से स्प्रे कर दिया तो फिर आपका तो काम तमाम हो जाएगा। नंबर 1, व्हाइट कोबरा। हमारे भारत में व्हाइट कोबरा को सबसे दुर्लभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस सफेद कोबरा का दर्शन शुभ माना जाता है। कुछ जगहों पर तो इसे पूजा भी जाता है। यह सांप अधिक से अधिक समय बिलों में ही रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से यह सांप भी आमतौर पर दिखाई नहीं देता। सिर्फ शिकार के लिए ही ये सांप अपने बिल से बाहर आते हैं और शिकार के बाद फिर से बिल में ही चला जाता है, जिस वजह से यह हम इंसानों के संपर्क में नहीं आते। इस सांप की गति अत्यधिक धीमा होता है, लेकिन यह बहुत गुस्सेल स्वभाव के होते हैं। जब यह गुस्से से फुफकारता है तो इसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। इस सांप में पाए जाने वाली जहर न्यूरोटॉक्सिन बेहद ही घातक होता है, जो इसके द्वारा काटे गए जीव की बॉडी का डायग्राम ही फेल कर देता है और ब्लड को धीरे धीरे जमा देता है, जिस वजह से कुछ ही घंटों में जीव की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक छोटा सा और प्यारा सा लाइक जरूर से करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।